depend on the economy and then come to us. Namaskar. की स्थिति बहुत गंभीर है और ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है. हमने पहले भी इस पर टिप्पणी कई बार करी है. भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया देश को, पर तब में अब में काफ़ी फर्क है. देश के बैंक टूट रहे हैं, बाजार टूट गए, मांग टूट गई, फैक्ट्रीज का उत्पादन टूट रहा है और पिछले 7 साल का सबसे बड़ी गिरावट हमारे निर्माण के क्षेत्र में आई है, जो औद्योगिक निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और उसके साथ गंभीर चिंता इस विषय पर है कि निवेश टूट गया, इन्वेस्टमेंट्स. और कल ही जो आंकड़े सरकार की तरफ से सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक कैपिटल फॉर्मेशन की बात है, कैपिटल गुड्स जो सीधा निवेश से जुड़ी है, उसमें 21% गिरावट आई है. तो हम कह सकते हैं कि आज जो भारत की इकोनॉमी है उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर तुरंत सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो आने वाले दिन देश के लोगों के लिए बहुत तकलीफ के होंगे. बड़ी संख्या में देश में नौकरी टूटी है. इस सरकार के सत्ता में आने के लगभग 4 महीने, 24 महीने, और उसमें और अब में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश चलाने और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उस पर कोई गौर नहीं कर रहे. लगभग 35 लाख नौकरी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में टूटी है. टेक्सटाइल का जो है, कृषि के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है वो टेक्सटाइल सेक्टर में मिलता है. भारत का टेक्सटाइल सेक्टर में मिल्स बंद हो रही हैं. हमारा हथकरघा का जो सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े चुने हुए जो सेंटर्स हैं उसमें एक पानीपत है हरियाणा में, वो तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया. लेदर सेक्टर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, वो भी इस वक्त संकट में है, रोज़गार टूट गया. सरकार के पास राजस्व की बड़ी कमी है. जो सितंबर तक के आंकड़े सामने आए थे, जो सरकार ने लगभग 24 लाख करोड़ अपने बजट एस्टीमेट्स में उन्होंने रखा था, 18% से ऊपर है, जो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इकट्ठा करना है, रेवेन्यू लाना है, जिस पर बजट आधारित है, वो 7% भी नहीं हुआ पहले 5 महीने में. तो उससे आप सोच सकते हैं कि अगर आधे से भी कम चल रहा है, केवल 6 महीने बचे, तो वही होगा जो पिछले साल हुआ, पर उससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर. जो बजट एस्टीमेट से उसमें कमी थी, हमने इसको बताया आपको पहले, 1,70,000 करोड़ की, उसकी भरपाई नहीं हुई, सरकार ने खर्चा बंद कर दिया. और जो गरीब लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट था उस पर रोक लगा दी.
और वही जो कमी इनके बजट में आई थी उतना पैसा रिजर्व बैंक से ले लिया, 1,76,000 करोड़ जो कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बफर था, और जो 8.5% पे होना था, जो जहाँ था वो आज 5.5% पे गिर चुका। एक तरफ रिजर्व बैंक कमज़ोर है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की तरफ से GST रिफंड पे कई घोषणाएं हो चुकी हैं, बाकी जो एक्सपोर्टर्स के ड्यूटीज़ रिफंड हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स की घोषणाएं हो चुकी हैं, 10,00,000 करोड़, मैं अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहा हूँ, 10,00,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने GST रिफंड का, एक्सपोर्टर्स के रिफंड का, और PSU के जो अनपेड बिल्स हैं जिनकी कोई भी भुगतान नहीं हुआ, ये लगभग ये आंकड़ा है 10,00,000 करोड़ का, उसको अगर ये आप जोड़ लें तो फिस्कल डेफिसिट इज़ नॉट 3.3%, फिस्कल डेफिसिट इज़ बियॉन्ड 8%। So I was referring to a very precarious situation in the Indian economy, which is moved from recession to a crisis mode, and the Prime Minister and the Finance Minister are oblivious. After the big mandate that the BJP received, it was expected that the Prime Minister will pay attention to the real issues that the country is confronted with, particularly the farmers, the agrarian distress, the state of the economy, the crash in the production, collapse of demand, and huge number of layoffs and retrenchments. We have listed the sectors which are in a very difficult situation, from automobiles, where yesterday the numbers which have come of automobile sector, in passenger vehicles, the latest number I am giving, which you have, is 23.7% is the fall in the month of September. Capital goods formation, that's the investments which are made to create capital. In economic terms, it's known as gross fixed capital formation. It was hovering around zero for most of the time of this government. Now it has collapsed. And the latest number is -21%, which is the lowest since the year 2012. The manufacturing has hit a 5-year low. This contraction is -1.2. Some people may say -1.2 is not enough, but the manufacturing should have been positive double-digit growth. This country can ill afford any fall in manufacturing because it directly is related to factory production and job losses. Large number of factories are shutting down. The capacity utilization, as per the government's claim, is 73% or 74%. That's 26% is the idle capacity. With full sense of responsibility and understanding of the Indian economy, I am saying today that the capacity utilization is not above 60%. 40% of the factory capacities are idle, which has led to large number of retrenchments, particularly in the automobile sector, which I have mentioned, textiles and leather industry. These are all labor-intensive sectors. And the spin-off is huge in auto ancillary sector, where India is one of the global leaders. I think I once told you people
that there is no car which is manufactured anywhere in the world which does not have at least 50 plus components, auto components, which are made by Indian factories. This sector is very badly hit. It's not only the numbers which I have given to you which are shocking, but we know that the government has failed to deliver despite the fact that the global commodity prices had fallen from 2014 onwards, especially the petroleum prices. The minimum saving or windfall gain of this government from 2014 onwards only on petroleum products is roughly $7.5 billion per annum. Is close to 3 lakh crores. You can calculate as per the exchange rate, but more than 2,60,000 crores that the government has gained. Despite that, this government is guilty of monumental mismanagement of the Indian economy. We are staring at a huge revenue shortfall. The budget is based on the income that the government has, and mainly the direct and the indirect tax collection. They are nowhere near the halfway mark. In the remaining 6 months, what is going to be impossible, if they more than double up the GST collections and the income tax collections, then perhaps they will come somewhere close to, though there will be a shortfall of at least 3 lakh crores even then. But there is no possibility. Why I am saying so? From where will the GST come when the factories are shutting down, when production has been scaled down by the factories? Many factories, let alone operating at the optimal level, like 3 shifts a day, have come down to 1 shift a day. Maruti Suzuki, Mahindra and Mahindra, 12 days off per month means the factories would be shut. 9 days per month is Mahindra's. 6 days per month is the Hero Motor Corp. Even small biscuit manufacturers are laying off thousands of workers. So when you have a complete collapse, not of one engine, but all the 4 engines of the Indian economy, we can only term it as a crisis. You are fully aware of where we are vis-a-vis the banks. The credit flow, जो उद्योग को पैसा कर्जा रहे, पहले तो उद्योग तब कर्जा लेता है जब परिस्थिति ठीक होती है, बाजार में मांग होती है, लोगों के पास पैसा होता है सामान खरीदने का, चाहे वो कार है या कंज्यूमर गुड्स है. वो 88% कम हुआ है. The credit flow to the commercial sector, it has been unheard of in independent India. 88% less, that's the credit flow. Then you have bank frauds. Abhi PMC bank ka fraud samne aaya. Punjab Maharashtra Cooperative Bank ka. लोग वित्त मंत्री से गुहार कर रहे थे मुंबई में, जिनका पैसा बैंक में जमा है, जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, इलाज की सख्त ज़रूरत है. एक आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां कई परिवारों के लिए पैदा हो चुकी. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि वो
इस पे कमेटी बनाएंगी, रिजर्व बैंक से बात करेंगी। अब आप इस पे खुद सोचिए, वही वित्त मंत्री और यही सरकार जब रिजर्व बैंक से कॉन्टिंजेंसी रिजर्व बफर छीनना है तब सरकार मजबूर नहीं है, पर जब लोगों की तकलीफ है जिनका पैसा पीएमसी बैंक में है उनको न्याय नहीं मिल रहा, तब वित्त मंत्री कहती है कि वो रिजर्व बैंक से बात करेंगी, तब रिजर्व बैंक को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। केवल सरकार लोगों का पैसा लेने के लिए तत्पर है, लोगों को राहत देने के लिए इनमें कोई संवेदन नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार है। मैंने बातें आपसे इसलिए बताई कि सरकार की एजेंसीज इससे जुड़ी हुई बात है अलग है, जिनको ये जीएसटी का रिफंड देना चाहिए, जीएसटी इकट्ठा करना चाहिए, सरकार की आमदनी की थोड़ी भरपाई हो वो काम करना चाहिए, उनको दूसरे काम में लगा दिया सरकार। जो राजनीतिक विरोधी हैं उन पर निशाना लगाने के लिए, रेड्स करने के लिए, एक भय का खौफ का वातावरण पैदा करने के लिए, वो चुनाव में के समय होता है, हमने पुराने चुनाव भी देखे हैं, आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव के समय, देश के चुनाव जब देश के हुए, भारत के राष्ट्रीय चुनाव, अभी तो दो राज्यों में चुनाव है। पिछले दो दिन से मुझे अभी मालूम हुआ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट सेक्शन का काम देखते हैं, कर्मचारी हैं, नेता नहीं, कर्मचारी, उन पर इनकम टैक्स रेड कर रहा है। जो बैंक लूट के चले गए उनसे कोई मतलब नहीं है, देश का खजाना खाली हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी एजेंसी जिनको अपना काम करना चाहिए उनको इस काम पर लगाया। सरकार प्रतिशोध की भावना से, दुर्भावना से काम कर रही है, ये देश की राजनीति के लिए अपने आप में एक अलग से चिंता का विषय है। प्रजातंत्र में विचारधाराएं अलग हैं, विरोध होता है, चुनाव होते हैं, पर सरकार और सरकार की एजेंसी जो शासन है, प्रशासन है, अगर वो सोच समझकर अन्याय करे वो आने वाले समय में इस देश के प्रजातंत्र को गहरी चोट पहुंचाएगा। अगर आप गहराई में जाएं, क्या कारण है कि जो सारे आंकड़े सामने हैं, चुनाव आयोग के सामने हैं, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट आई है, एक और रिपोर्ट आई है भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, कि भारत का जो पिछला चुनाव था उसमें लगभग 8.5 बिलियन $ कुछ 60,000 से ऊपर खर्चा हुआ है, और उसका 60% पैसा बीजेपी ने खर्चा किया। ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। तो जो पार्टी स्वयं 40,000 रुपया खर्च करती, करोड़ रुपया खर्च करती है, वहां कोई नहीं पूछता कहां से वो पैसा। सबसे अमीर पार्टी है दुनिया की, भारत की नहीं, भारतीय जनता पार्टी, पर वहां निशाना लगा रहे हैं जब 5 साल से काफी तकलीफ है, और वो भी कर्मचारियों पर। मैं कहूँगा ये निंदा की बात है, शर्म की बात है, सरकार को न्याय करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तो प्रहार करते हैं, ये देश कानून पर चलता है, संविधान पर चलता है, पर कांग्रेस पार्टी पे निशाना लगाते लगाते सरकार कार्यालय के कर्मचारियों तक अगर बात पहुँच जाए तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की नीयत खराब है। As I've said,
This government is obsessed with targeting its political opponents. It works with vendetta in mind, selectively identifying and targeting political opponents. It's not only the Indian National Congress and its leaders. In recent years, it goes across political parties, but only those parties which are opposed to them, whether it's the Trinamool Congress, whether it was the TDP, the BSP, the Samajwadi Party, and the list is long. But when it comes to BJP, which itself is the richest political party in the world, I have referred to two reports which are in public domain, the filings before the Election Commission of the electoral bonds, which was mandated by the Supreme Court. So almost 99% of the electoral bonds have gone to the BJP. The amount in addition to that which has been spent on elections, I've given you the number. So it would be in excess of 40,000 crore or in excess of that, which the BJP has spent. From where has that money come? No, there is no targeting when it comes to the BJP, which is flush with funds. But now they have stooped to a new low, using the agencies to target the employees, salaried employees of the largest opposition party. These are salaried employees. These are not big sharks. On one hand, the government promotes crony capitalism. It empties the country's coffers, ruins the Reserve Bank's contingency reserves. As I have said, this crisis has been created by the government. It's not a question of what we are seeing. And I would like to ask a question today. Who is the treasurer of the BJP? The government should disclose. And is there a conflict of interest somewhere there? So after all, BJP also is the ruling party, but a political party registered with the Election Commission of India. We are a rule-based and rule-governed country, and the same rules apply to the BJP also. They are not above the law of the land. They may think they are. Kya is desh mein do nizam hai, do kanoon hai, do kaide hai? दो संविधान हो सकते हैं ये कभी नहीं हो सकता कि एक नियमावली एक निजाम भारतीय जनता पार्टी के लिए है और दूसरा विपक्ष के लिए ये देश के प्रजातंत्र के लिए बुरी खबर है इंडिया कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट where people are living in fear, insecurity. You cannot create a police state, a surveillance state, or the terror of raids only on political opponents. The BJP is confident of doing very well in these elections. I would like to ask them a question. Why you are indulging in this? And Nirmala Sitharaman ji, I can only say that our sympathies are with the country that we have a finance minister who is clueless, who just does not understand the E of economics or F of finance. Instead of addressing a grim situation confronting the Indian economy, is blatantly allowing either patronage, promotion of crony capitalism,
huge tax cuts to the richest people, no relief to the poor, and this brazen misuse of authority and the government agencies. These are the questions which I have put through you. If the finance minister has the interest of the Indian economy close to her heart, understands the gravity of the crisis, she should respond. We leave it there. If there are any questions, we'll try to respond. मैं सम सुना नहीं आपने बोला ना प्लेस में प्रोफेसर साहब जवाब दें वो हिंदी में नहीं आपने कुछ और कहा मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि निर्मला सीतारमण जी ने कल कहा है कि जीएसटी है उसमें क्लॉज है लेकिन वो कुछ नहीं हो सकता वो कानून बन चुका नहीं वो कानून पहले तो जीएसटी इन्होंने हमारे साथ जो रजामंदी हुई थी उसको इन्होंने तोड़ा जो कांग्रेस पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी संविधान संशोधन जो हमने पास कराया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने स्पष्ट किया था कि तीन ही जीएसटी के रेट होंगे और सबसे ऊपर 18% होगा ये पांच जीएसटी के रेट्स लेकर आए और उसके बाद उसमें कितनी बार इन्होंने तरमीम की शायद गिनती आप भी भूल गए होंगे और टैक्स के अधिकारी भी भूल गए तीसरा जीएसटी के रिफंड्स लोगों को नहीं मिल रहे और ये और जीएसटी ज़्यादा बढ़ेगी इस साल उसके आधार पर इन्होंने बजट बनाया है कानून की बात नहीं है सरकार की नालायकी की बात है और नियत की बात है जी सर मैंने कहा कि सरकार दुर्भावना से और बदनीयती से काम कर रही है ये स्पष्ट है अरे जिस पार्टी ने इतना पैसा चुनाव में खर्चा किया हो ये तो जो रिकॉर्ड पर आ गया हम तो सोचते हैं उससे भी बहुत ज्यादा ये कौन सा पैसा है यहाँ तो मैंने बताया कि जो तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको कष्ट दिया जा रहा है जो अकाउंटेंट्स हैं कोई बहुत बड़ी तनख्वाह पर काम करने वाले नहीं हैं ये लोग हमारे सारे बंद पड़ा अकाउंट सेक्शन चुनाव का समय है कांग्रेस पार्टी को भी अपने उम्मीदवारों को देना है पब्लिसिटी के लिए कुछ खर्चा करना है हमारा अकाउंट सेक्शन को ताला लगवा के रखा हुआ सारे हमारे अकाउंटेंट्स को बुला के रखा है इनकम टैक्स वालों उनके घर पे बैठ गए जाके किसी की बच्ची की शादी होनी है ये कोई बड़े बड़े धन पशु नहीं है तो बेचारे पार्टी का अकाउंट्स रखने वाले लोग हैं तो ऐसा अन्याय हमने नहीं देखा और कुछ भी हुआ इस देश में आज़ादी के बाद या बीजेपी भी बहुत समय ऑपोजिशन में रही उनके ट्रेजरर पर उनके कर्मचारियों पर उनके अकाउंटेंट्स पर कांग्रेस के सरकार ने कभी निशाना नहीं लगाया कभी किसी को परेशान नहीं किया इट्स पॉइंटलेस अर्जिंग दिस गवर्नमेंट दैट वी आर अ रूल बेस्ड एंड रूल गवर्न्ड कंट्री प्लीज अलाउ दिस कंट्री टू लिव लाइक दैट मुझे नहीं मुझे तो इन्होंने अभी बताया चार पांच लोगों के कोई के मुझे नहीं मालूम हमको तो इन्होंने अभी बताया कि हमारे पांच कर्मचारियों के घर पे छापे पड़ रहे हैं मैं तो आपसे इकोनॉमी की बात करने आया था दे आर सैलरीड एम्प्लॉयज सैलरीड एम्प्लॉयज उनके पैतृक स्थानों उनके नहीं उनके पैतृक स्थानों तक भी पहुंच गए या तो हो कि भाई वो कोई मंत्री रहे हों बड़े अधिकारी रहे हों अकाउंटेंट्स हैं हमने नहीं सुना कि यहाँ तक कि इनकी सोच है ऊपर वाले लोगों तक तो पहुँच जाते हैं जो मंत्री रहे बड़े ओहदों पर रहे ठीक है कानून अपना काम करे पर उसके साथ साथ अब मुलाजमों तक भी पहुँच गए कर्मचारियों तक भी पहुँच गए इससे इनकी मानसिकता झलकती है इनकम टैक्स ये इस सरकार ने कोई एजेंसी को अब नहीं बिना काम के रखा जो काम करना था उससे अलग हटकर तो इनकम टैक्स का महकमे का जो दुरुपयोग हो रहा है हमने हर चुनाव में देखा और केवल इनका जो खजाना है
उसकी तरफ कोई नहीं देखता, ना ही देख सकता है, ना ही इनके सहयोगी दलों का। अगर इनसे कोई हिसाब कोई एजेंसी मांग सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्या दो नियम होंगे, दो कायदे कानून होंगे, दो निज़ाम होंगे हिंदुस्तान में, ये प्रश्न है। सर, किस इशू को लेकर के, किस केस के तहत छापेमारी हुई है? हमें, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं। मुझे तो यह बताया कि हमारा अकाउंट सेक्शन को ताला लगा है और कर्मचारियों पर जो हमारे, अब कभी नहीं सुना कि मुनीम खजांची अकाउंटेंट्स इन पर भी हमला करना शुरू कर देंगे। कल से है, जो भी है मैं कहूंगा कि निंदनीय है। साधारण कर्मचारियों को इस तरह से करना, निशाना बनाना दुख की बात है। पर जो मैंने पहली बात कही उसको भूलिए मत, वो आपसे सीधी जुड़ी है, एक एक से, आपसे, आपके परिवारों से, देश से, कि जो बर्बादी की है इन्होंने भारत की इकोनॉमी की, सर उस पर कृपा करके। अभी तो सिर्फ महाबलीपुरम मोदी जी और शी चिनपिंग ही दिखेंगे, थोड़ा ये तस्वीर भी दिखा दें देश को तो बेहतर होगा। वेल, वी से दैट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया with the same constitutional and fundamental rights as the citizens in other states of the rest of the country. They must be allowed full enjoyment of their rights which are guaranteed by Indian constitution. We have been totally against the breakdown of the communication network, the clampdown that has been there. And the Honorable Supreme Court has constituted a special bench which is looking into that. It's the common people we are concerned with. While we remain equally committed when it comes to the security of the state and the security of the nation, but at the same time, it's the average citizen, the housewives, the salaried class, and particularly the youth and the students and school-going children who have been worst affected, and we have to be sensitive to them, to their needs, and I hope the situation improves further. Achha, aap bol, dekhiye hum isi soch ke rahe hain hamesha, Congress party ne apna स्थिति इस पर स्पष्ट की है अपने कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव के माध्यम से कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अंतरंग हिस्सा है और वहाँ के जो रहने वाले हैं उनका वही अधिकार है, संवैधानिक और कानूनिक मौलिक अधिकार, जो भारत के किसी भी अन्य नागरिक का है। तो उन्हें भी अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिले ये सुनिश्चित करना एक प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। विशेष तौर पे जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, संचार की बात है, वो लोगों के लिए ज़रूरी है, परिजनों से बात करने के लिए, छात्रों के लिए आवश्यक है। अगर स्कूल कॉलेज बंद हों और अब ये जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें अगर इंटरनेट की ज़रूरत बच्चों को पड़ती है, छात्रों को पड़ती है, उससे वंचित करना उनका बहुत बड़ा अहित होता है, नुकसान होता है। जितनी जल्दी स्थिति सामान्य होती जाए वो जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा, कश्मीर घाटी के लिए भी और भारत के लिए भी। That is their statement. Yeah, how do you see this? Do you think that something would have come out about this? I don't think the Prime Minister of India will discuss what is entirely an internal matter of India with the head of state of China.
It's not something which is the Prime Minister of India is expected to do. Government of India has officially reacted. This has been a consistent position of all prime ministers and all successive governments of the Republic of India, that Jammu and Kashmir is an integral part of India, its accession with India is irrevocable, and there is no room for any third party meddling or interference in India's internal affairs. We stand by that. We take note of the summit that is taking place. India and China are not only neighbors, two major economies, two most populous countries on this planet. But this partnership is multifaceted. Despite the difficulties that we have and unresolved issues, India has always remained meaningfully engaged. And it started with Prime Minister Rajiv Gandhi's visit in 1988 and his dialogue with the then Chinese Supreme Leader Deng Xiaoping. During the 10 years of UPA government, this was taken forward and the relationship was brought to a level of mature understanding, and that continues. This engagement has a continuity. And it's but natural that the heads of states and the heads of governments of strategic partner countries meet, and that's what is happening. उनको अपनी बैलेंस शीट का पता है कि 2021 में कहाँ होगी. अभी जो सामने दिख रहा है उस पर टिप्पणी अच्छी लगती है. अगर 5% पे है तो 7% और 5% में 2% points का अंतर है. अभी मैंने आपको सारे आंकड़े दिए हैं. अगर उस आंकड़े के बाद अगर कोई इतना बड़ा अर्थशास्त्री है जो ऐसी बात कहता है, तो मेरे को तो उस संगठन के प्रति अपनी सहानुभूति पेश करनी है. सर, आपने कहा कि जेएनके के मामले इंटरनल मामला है, उसमें किसी दूसरे स्टेट है. जी जी जी. मनीष तिवारी जी ने कल परसों ट्वीट करके चैलेंज किया था कि प्रधानमंत्री एक्साइजिंग क्यों नहीं मांगते. उसमें क्या गलत बात है? भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है. 38,000 स्क्वायर किलोमीटर. और उसके साथ वो तो हमारा है ना, तो बातचीत तो हो रही है. आपको इतना ज्ञान नहीं कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों कंट्री देशों के, चीन के और हिंदुस्तान के, वो बाउंड्री डिस्प्यूट पे तो चर्चा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, आज भी हो रही है. और उसके साथ साथ 1963 में पाकिस्तान ने जो उनके अवैध कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है उसका 6,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर चीन को दिया हुआ है. तो हमारा जो प्रस्ताव है 6 अगस्त का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का, उसमें हमने कहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पीओके नहीं, पर वो हिस्सा भी विच हैज़ बीन इलीगली सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना must be returned to India. That's our working committee resolution also. There's a question, Jatin Gozanti. Sir, you were saying that fiscal deficit is around 8%. It will, if the government is hiding this, unpaid bills are 10 lakh crores. Refunds, GST refunds, which have not been made. Refund to the exporters, which has not been made. Non-payment of bills by the government and the PSUs. If you factor that in, the fiscal deficit is very high. I'll just take a last question. I have a US delegation waiting to meet me. I'll just take one question. I have already taken many questions from her. ये नहीं, ये informal summit नहीं, ये
ये इनफॉर्मल समिट के लिए आए हैं, दिल्ली नहीं आए हैं। तो महाबलीपुरम में ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, ना ये विवाद का विषय, हमारे लिए भी कोई विवाद का विषय नहीं है। आई हैव टू लीव, आई हैव टेकन मैनी क्वेश्चंस। एज अ मैटर ऑफ रूल वी हैव ब्रोकन माई ओन थंब रूल, नॉर्मली आई डोंट टेक मोर देन वन क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन। इस पे चर्चा तब बाद में करेंगे, आज आज सब बातों पे करूंगा तो असली बात से अलग खत्म हो जाए। धन्यवाद। आई वॉन्ट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। धन्यवाद।